गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर एनेक्सी भवन के सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने शिक्षक दिवस पर अच्छा कार्य करने वाले अध्यापकों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कहा, अच्छी शिक्षा से ही देश बन सकता है अखंड राष्ट्र। पशु तस्कर गिरोह के शातिर अभियुक्त हरेंद्र यादव को चौरी चौरा थाने की पुलिस ने दो साथियों सहित किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में अभियुक्त हुआ गंभीर रूप से घायल। मेडिकल कॉलेज करवाया गया भर्ती। पास से एक अवैध देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक बुलेरो गाड़ी, एक पिकअप किया बरामद, भेजा जेल। सहारा स्टेट में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले अभियुक्त को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। दो नाली बंदूक, छह खोखा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। कारोबार को देने रफ्तार, बैंक पहुंचा टेराकोटा शिल्पकारों के द्वार। 5000 टेराकोटा शिल्पकारों को 25 करोड़ का लोन देने की प्रतिबद्धता जता चुके पंजाब एंड सिंध बैंक के अफसरों ने किया टेराकोटा गांव औरंगाबाद और गुलरिया का भ्रमण। कहा, टेराकोटा शिल्पकारों को ODOP के तहत त्वरित आधार पर सरलता से लोन देने के लिए तैयार बैठा है बैंक। ऑटो रिक्शा पर लगे हुए बम्परों पर अब ट्रैफिक पुलिस हुई सख्त। चेकिंग कर ऑन स्पॉट उतरवाए ऑटो रिक्शा पर लगे आगे पीछे बम्परों को। कहा, किसी भी ऑटो पर बम्पर दिखाई दिया तो होगी सख्त कार्रवाई, कटेगा 5000 का चालान। केवेलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन के वार्षिक समारोह के अवसर पर संस्था में अध्ययनरत मेधावी छात्रों और छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं टैबलेट का किया गया वितरण। मुख्य अतिथि भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव ने कहा, संस्था द्वारा कंप्यूटर शिक्षा निःशुल्क देना है बहुत नेक काम। गांव गरीब की बेटी बेटा को मिलेगा इसका लाभ। न्यायालय द्वारा जारी 141 वारंटियों को विभिन्न थानों से किया गया गिरफ्तार। SSP ने कहा, आगे भी चलता रहेगा अभियान। गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय व स्कूल ऑफ नर्सिंग गंगोत्री देवी के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। प्रबंधक रीना त्रिपाठी ने कहा, जब हम टीचर को देंगे सम्मान तभी हम पाएंगे सम्मान। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त आशीष साहनी को राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 40 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 500 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम नौसादर किया बरामद, भेजा जेल। और जनपद के गगहा ब्लॉक के बेलपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक प्रवीण कुमार मिश्रा को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने दिया राज्य अध्यापक पुरस्कार। विधायक महेंद्र पाल सिंह ने शिक्षक दिवस पर अध्यापक को सौंपा राज्य अध्यापक पुरस्कार का पत्र। अध्यापक ने बेसिक शिक्षा विभाग को दिया धन्यवाद। कहा, सभी शिक्षकों को अच्छा कार्य करके लेना चाहिए पुरस्कार। अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर एनेक्सी भवन के सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिसके संबंध में पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 5 सितम्बर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें अच्छा कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद शिक्षा में जो सुधार हुआ है वह कभी नहीं हुआ था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी, जिस पर पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 2017 के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया और कायाकल्प योजना के माध्यम से स्कूलों की दशा सुधारी गई। विद्यालय में शौचालय, फर्श, छत की व्यवस्था को ठीक करवा दिया गया।
अब विद्यालय में अच्छी शिक्षा दी जा रही है। जहां लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजते थे, अब स्कूलों में एडमिशन हो रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को बधाई व शुभकामना देता हूँ, क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। शिक्षा से एक अखंड देश का निर्माण होता है। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीना, BSA रमेंद्र कुमार सिंह सहित शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, कैसे हमारे शिक्षण संस्थाएं खोल हो सकती है,
और एक छात्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है उसका एक दर्शन। व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो अभियान प्रदेश भर और प्रदेश भर प्रारंभ हुए हैं भारत को उसकी प्राप्त पहचान शिक्षा क्षेत्र में भारत को जनपुरुष योजना स्थापित करना उसे दिलाने में सफल होगा। इसमें उनकी भी संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ करने की संभावना है। थोड़ा सा प्रयास करके ऐसे परिवर्तन एवं समस्त चराचर जगत की स्वच्छता के लिए सदैव अपना भरा रखे ये समस्त एक प्रतीक स्वरूप है। कर्मों से प्रशस्ति प्राप्त डाइट एक ऐसी संस्था है जहां से विभिन्न प्रकार के निरंतर आज 5 सितंबर 1888 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी है और उसी अवसर पर हम सब लोग शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षकों के योगदान को पहचानने के लिए ये कार्यक्रम जो है आज यहाँ पर जो रखा गया है आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं हृदय से मैं स्वागत करता हूँ और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। गुप्ता जी, श्री देवी प्रसाद जी से सुश्री साधना सिंह जी तालियां बजते लिए सदैव तत्पर हैं चाहे उनके माता पिता भी अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। साधना सिंह पुरस्कारों की श्रृंखला में अगले मिस्टर अजय कुमार राव जी बेलघाट विशाल भरहट से डॉक्टर राकेश यादव जी बढ़लगंज से इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं जंगल पौड़िया से श्री प्रभात त्रिपाठी आप दो लोग का जो है इधर आ जाइए। देखिए आज 5 सितंबर है तो शिक्षक दिवस है उसी पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जो अच्छे कार्य जो शिक्षक किए हैं उन्हीं को सम्मान करने का ये कार्यक्रम रखा गया था और आज यहाँ पर प्रवीण कुमार मिश्रा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है और लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी को कि 2017 से लगातार शिक्षा में जो सुधार हुआ है। मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी वो कहीं न कहीं पिछली सरकारों में उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस पर जोर दिया और कायाकल्प योजना के माध्यम से स्कूलों की जो दुर्व्यवस्था थी उसको सुधार किया गया। विद्यालय में सभी सुविधाओं जैसे टॉयलेट की भी व्यवस्था है, फर्श की भी व्यवस्था ठीक हो गई, छत की व्यवस्था ठीक हो गई, रंग रोगन हो गया, फोन दीवार हो गया, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ने की व्यवस्था हो गई, डेस्क बेंच की व्यवस्था हो गई। आज हमारे जूनियर और प्राइमरी विद्यालयों में गांव से हर बच्चा अब उस विद्यालय में पढ़ने के लिए इच्छुक है। अब हमारा गांव का जो विद्यालय है वो किसी कॉन्वेंट से कम नहीं है,
अच्छी शिक्षा दी जा रही है। और मैं कह सकता हूँ आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। शिक्षा सबके जीवन में ज़रूरी है और हम शिक्षा से ही बच्चों में चरित्र का निर्माण कर सकते हैं और चरित्र निर्माण से अपने देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए शिक्षा का बहुत ही महत्व है। मैं एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम में, आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर, हम सर्व डॉक्टर, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्व कृष्ण राधा कृष्णन जी को मैं श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं और अपने सभी शिक्षकों को आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी को शिक्षक के दिवस के अवसर पर मैं सभी शिक्षकों को मैं उनका नमन करता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं और कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ठीक ढंग से वो करें ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल। चौरी चौरा थाने की पुलिस ने पशु तस्कर गिरोह के शातिर अभियुक्त को मुठभेड़ में दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि कुशीनगर से कुछ पशु तस्कर गोरखपुर आकर पशुओं की तस्करी करने वाले हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग कर रही थी। इसी बीच चेकिंग के दौरान एक बुलेरो व एक पिकअप गाड़ी चौकी सोनबरसा की तरफ आती दिखी, जहां पर उन्हें चेकिंग में लगे चौरी चौरा थाना प्रभारी द्वारा टीम के साथ का गया तो दोनों उक्त गाड़ियां वहां रुकी नहीं और डुमरी खास से छपरा मंसूर की तरफ भाग निकली, जिस पर चौरी चौरा पुलिस द्वारा दोनों गाड़ियों का पीछा किया गया तो उन्होंने भट्टे के पास कच्चे में गाड़ी को उतार दिया और पुलिस पार्टी जो पीछा कर रही थी उन पर फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें एक अपराधी हरेंद्र यादव पुत्र मोतीलाल यादव निवासी बास टीला पांडे थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया दिया गया। इसके अलावा दो साथी अखिलेश चौहान पुत्र सुभाष चौहान निवासी बहादुरपुर थाना खुखंडू जिला देवरिया, दूसरा गौतम पुत्र शारदागौड़ निवासी ग्राम बासडीला पांडे थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक देशी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक बुलेरो गाड़ी, एक पिकअप गाड़ी को बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि तीनों अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चौरी चौरा थाना प्रभारी उमेश बाजपेयी, सोनबरसा चौकी प्रभारी विशाल उपाध्याय, उपनिरीक्षक आलोक सिंह, कांस्टेबल कुंवर विजय सिंह, अजय सिंह, प्रदीप कुमार, दीपक पटेल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, आज रात्रि 10 बजे अपराधियों की धरपकड़ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समस्त थाना प्रभारियों द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चौकी सोनबरसा के पास थानाध्यक्ष चौरी चौरा चेकिंग कर रहे थे। लगभग 12:30 बजे के आसपास दो वाहन वहां से गुजरते हैं, जिनको रोकने का इशारा इनके द्वारा किया जाता है। उक्त वाहन वहाँ पर रोक न करके अपनी स्पीड बढ़ाकर और बाईं तरफ डुमरी रोड पर घूम जाते हैं। पुलिस पार्टी द्वारा इनका पीछा किया जाता है और थोड़ी दूर पीछा करने के उपरांत वो गाड़ी कच्चे पर उतार के और फायरिंग करने लगते हैं। पुलिस पार्टी भी आत्मरक्षार्थ फायर करती है, जिससे एक अपराधी के गोली लगती है, दो अन्य वाहन से गिरफ्तार किए जाते हैं। पूछताछ पर इन लोगों ने बताया कि ये पशु तस्कर हैं और गोरखपुर पशु तस्करी के लिए आए थे। उनके पास से एक तमंचा, 315 बोर, दो कारतूस और एक पिकअप वाहन और एक बुलेरो वाहन बरामद हुआ है। शेष अभियुक्त भागने में सफल रहे, जिनके लिए कॉम्बिंग और दबिश की कार्रवाई प्रचलित है। पशु तस्करों व अन्य जो अपराधी जिनका मूवमेंट हो रहा है, उसके लिए विशेष चेकिंग अभियान विगत 2 दिनों से चलाया जा रहा है। इसमें जो पशु तस्कर गाड़ियों से यहाँ पर आकर के पशु तस्करी का अपराध कारित करते हैं, उनकी विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है। कल रात्रि में भी इस तरह की घटना प्रकाश में आई कि जब इनको बैरियर पर रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा तेज गति से पुलिस कर्मियों को घायल करने की
मंशा से गाड़ी वहां से भगाई गई, जिनका पीछा किया गया, वहीं पर मुठभेड़ भी हुई है जिसमें कि 3 पशु तस्कर अरेस्ट हुए हैं, कुछ साथी इनके भागने में सफल हुए हैं। इससे पूर्व भी पुलिस द्वारा कार्रवाई पिछले दिन भी की गई थी। इस तरह की कार्रवाइयां करने के लिए सभी थानाध्यक्षों को और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कहां कहां से किन किन रस्तों से इनका मूवमेंट होता है, और विशेष रूप से जो लोकल लोग इनकी मदद करते हैं, स्थानीय लोग जो इनकी मदद करते हैं, इनके सहयोगी हैं, उनकी भी पहचान करने के लिए बताया गया है। विगत 5 सालों में जितने भी ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं उनमें कौन कौन अपराधी सम्मिलित रहे हैं, उनकी क्या क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उसको भी छांटा जा रहा है। इनके ऊपर गैंगस्टर, गुंडा व अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस तरह की घटनाएं पुनः द्वारा कारित ना हो या इस तरह की स्थितियां ना उत्पन्न हो, उसके लिए एक बृहद योजना अधिकारियों के समन्वय के साथ बनाई गई है और आने वाले दिनों में इसको लागू। खोराबार थाने की पुलिस ने सहारा स्टेट में हवाई फायरिंग करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि सुबह 10:30 बजे न्यू यमन सहारा स्टेट में किराए पर रहने वाले गौरव सिंह पुत्र सत्यवान सिंह निवासी बरवल माफी थाना खजनी जनपद गोरखपुर द्वारा परिसर में 2 नाली बंदूक से कॉलोनी में घूम घूम कर हवाई फायरिंग करके दहशत का माहौल कर रहा था, जिसके संबंध में खोराबार थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 नाली बंदूक 6 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त ने गोली चलाकर दहशत फैलाने का प्रयास किया, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा, उप निरीक्षक रिजवान अहमद, कांस्टेबल राहुल यादव, राघवेंद्र दुबे शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, पिस्टल की भी संभावना है, ये रात से फायर कर रहे हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घर में गेट पे जाके फायर कर रही है, ये इनकी दशा है। कहाँ का रहने वाला है ये? कहाँ रहे कुछ नहीं पता, ये हमारे घर के ठीक सामने किराए पे रहता है, किसी और के मकान में क्यों भाई? इसकी एक बीवी है और बहुत सुंदर सी बच्ची है। नहीं है सर, तू तो बाकी है सर। और उस रोड से किसी को आने जाने नहीं दे रहा था, कोई जा रहा था उस सामने सरराज घर पे डॉक्टर साहब घर पे अरे पब्दी भाई बैठा भाई चमक दादा भाई अरे भाई नाम उम्मीद कर लिया जनपद गोरखपुर के थाना खोराबार के अंतर्गत सहारा स्टेट कॉलोनी में एक गौरव सिंह व्यक्ति द्वारा फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली। तुरंत पुलिस द्वारा मौके पर जाकर फायर किए गए 6 खोखे एवं 2 नाली बंदूक को बरामद किया है एवं उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है जिस व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई है। किन कारणों से फायरिंग हुई है और उसका क्या उद्देश्य था, उसकी पुलिस द्वारा खोजबीन की जा रही है एवं अग्रेतर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू।
लगातार बुलंदियों को छू रहे टेराकोटा शिल्प के उद्यम को वित्त पोषण में और सहूलियत मिलने जा रही है। टेराकोटा शिल्पियों के कारोबार को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किए गए वादे के अनुरूप पंजाब एंड सिंध बैंक शिल्पियों के द्वार पहुंचा है। बैंक के अधिकारियों ने टेराकोटा शिल्पकारों से उनकी वित्तीय जरूरतों की जानकारी ली और बताया कि उन्हें अपनी कला को उद्योग के रूप में स्थापित करने के प्रदेश सरकार के प्रयास में वह भी हम कदम बन गए हैं। बैंक ने गोरखपुर के 5000 टेराकोटा शिल्पियों के लिए 25 करोड़ रुपए लोन वितरण का लक्ष्य रखा है। गोरखपुर की विशिष्ट टेराकोटा मिट्टी शिल्प को योगी सरकार ने महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना में शामिल कर प्रशिक्षण, निःशुल्क यंत्र उपकरण व अनुदानित लोन देकर इसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। नायाब होने के बावजूद कभी टेराकोटा के उत्पादों को खरीदारों का टोटा था, तो अब सरकार की तरफ से कराई गई ब्रांडिंग का यह जलवा है कि इस शिल्प के उत्पादों की डिमांड इतनी है कि शिल्पकारों के पास 3 से 4 महीने के लिए एडवांस ऑर्डर रहता है। यही नहीं, इसके उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर ग्लोबल मार्केट तक उपलब्ध हैं। सरकार के प्रयासों से टेराकोटा को GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी हासिल है। टेराकोटा मिट्टी शिल्प उद्यम के रूप में स्थापित हो चुका है। इसका कारोबार और बढ़े और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दिलचस्पी लेते हैं। CM योगी के प्रयासों से जुड़ने की एक पहल पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी की है। कार्यकारी निदेशक रामजस यादव के नेतृत्व में गत 23 अगस्त को बैंक के अधिकारियों ने CM योगी से लखनऊ में मुलाकात कर टेराकोटा शिल्पकारों के लिए अपनी कार्य योजना की जानकारी दी थी। बताया था कि बैंक उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME विभाग के साथ मिलकर गोरखपुर के 5000 टेराकोटा शिल्पकारों को 25 करोड़ का लोन उपलब्ध कराएंगे। इस वित्त पोषण से शिल्पी अपने उद्यम का आकार और विस्तारित कर सकेंगे। इसी कार्य योजना के मुताबिक रविवार को बैंक के मुख्य प्रबंधक विनय कुमार ओझा के नेतृत्व में वरिष्ठ प्रबंधक शैलेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक गोलघर गोरखपुर, शाखा अरविंद कुमार मिश्र, शाखा प्रबंधक बशारतपुर गोरखपुर पंकज जायसवाल व शाखा प्रबंधक बस्ती संदीप यादव टेराकोटा के लिए मशहूर औरंगाबाद और गुलेरिया पहुंचे। उन्होंने भोला प्रसाद प्रजापति, रामफल गुलाब चंद प्रजापति, गब्बू लाल चंद प्रजापति, हीरा लाल प्रजापति, राजन प्रजापति, रविंद्र प्रजापति से मुलाकात की। उनके हुनर को देखा, बाजार उत्पादों की मांग और उनके टर्नओवर के बारे में जानकारी ली। बैंक अधिकारियों ने टेराकोटा शिल्पकारों को ODOP के तहत सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। साथ ही बताया कि बैंक उन्हें त्वरित आधार पर सरलता से लोन देने के लिए तैयार बैठा है। लोन से वह अपने कारोबार को और रफ्तार दे सकते हैं। शिल्पकारों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम और QR कोड के जरिए लेन देन के बारे में बताया गया। होता है वो पटक देता है, ये सब 50 रुपये का है। हम देते हैं व्यापारी के यही सामान, आप व्यापारी खरीदारी करेंगे तो 100-125 रुपये पड़ेगा। आप 50 रुपये बेचते हैं? हम 50 रुपये बेचते हैं। आपका लागत कितना है मेहनत से बनाना? बहुत लागत मेहनत है, ज्यादा लागत मेहनत ज्यादा, लागत कम मेहनत ज्यादा, मेहनत ज्यादा डिग्री देखिए। पहले पुराना 12 है, 12 लोग हैं, 12 से अब ज्यादा बच्चे हमारे हैं, वो ऐसा ही बच्चे लोग अब कर रहे हैं, लड़के अलग होते जा रहे हैं, उनका अलग भी कारोबार हो गया, लेकिन हम लोग 12 से कम। तो हम लोग पंजाब एंड सिंध बैंक से आए हैं, आपको क्या मदद करें, उसमें कितना पैसा दें आप इसको बड़े स्तर पर आगे सुखें? SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह के निर्देश पर शास्त्री चौक पर ऑटो पर लगे हुए बम्पर को ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेक किया गया। आपको बता दें कि शहर में चलने वाले ऑटो रिक्शा चालक अधिकतर अपने वाहन के आगे पीछे बम्पर लगाए हैं ताकि एक्सीडेंट होने पर गाड़ी पर किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, लेकिन आगे पीछे बम्पर लगने से नंबर प्लेट ढक जाने के कारण ट्रैफिक पुलिस को सही ढंग से नंबर नहीं दिखाई पड़ता है। TSI रामवृक्ष यादव ने अभियान चलाकर सभी ऑटो को चेक किया और जिस पर
बम्पर लगा मिला, वहीं तत्काल उन्होंने ऑटो चालक से बम्पर को खुलवाना शुरू कर दिया तथा आगे हिदायत दिया कि अभी बस समझाया जा रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद अगर किसी भी ऑटो पर बम्पर दिखाई दिया तो सख्त कार्रवाई होगा और साथ ही 5,000 का चालान किया जाएगा। इस दौरान TSI रामवृक्ष यादव सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। आज शास्त्री चौराहे पर, गोलघर पर, घंटाघर पर और खजांची पर ऑटो और ई रिक्शा के विरुद्ध अभियान चलाया गया। जिन्होंने अपनी नंबर प्लेट को ढक रखा है उन सभी ऑटो और ई रिक्शा के बम्पर एंगल के लिए मौके पर ही खुलवाकर उनके लिए हिदायत दी गई कि भविष्य में इस प्रकार से नंबर प्लेट को ढककर ना चले, अन्यथा उनके वाहन के विरुद्ध NDF के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर NXC भवन के सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने शिक्षक दिवस पर अच्छा कार्य करने वाले अध्यापकों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कहा, अच्छी शिक्षा से ही देश बन सकता है अखंड राष्ट्र। पशु तस्कर गिरोह के शातिर अभियुक्त हरेंद्र यादव को चौरी चौरा थाने की पुलिस ने दो साथियों सहित किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में अभियुक्त हुआ गंभीर रूप से घायल, मेडिकल कॉलेज करवाया गया भर्ती। पास से एक अवैध देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक बुलेरो गाड़ी, एक पिकअप किया बरामद, भेजा जेल। सहारा स्टेट में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले अभियुक्त को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। दो नाली बंदूक, 6 खोखा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। कारोबार को देने रफ्तार, बैंक पहुंचा टेराकोटा शिल्पकारों के द्वार। 5,000 टेराकोटा शिल्पकारों को 25 करोड़ का लोन देने की प्रतिबद्धता जता चुके पंजाब एंड सिंध बैंक के अफसरों ने किया टेराकोटा गांव औरंगाबाद और गुलरिया का भ्रमण। कहा, टेराकोटा शिल्पकारों को ODOP के तहत त्वरित आधार पर सरलता से लोन देने के लिए तैयार बैठा है बैंक। ऑटो रिक्शा पर लगे हुए बम्परों पर अब ट्रैफिक पुलिस हुई सख्त चेकिंग कर ऑन स्पॉट उतरवाए ऑटो रिक्शा पर लगे आगे पीछे बम्परों को। कहा, किसी भी ऑटो पर बम्पर दिखाई दिया तो होगी सख्त कार्रवाई, कटेगा 5,000 का चालान।
कैवेलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन के वार्षिक समारोह के अवसर पर संस्था में अध्ययनरत मेधावी छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं टैबलेट का किया गया वितरण। मुख्य अतिथि भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव ने कहा, संस्था द्वारा कंप्यूटर शिक्षा निःशुल्क देना है बहुत नेक काम, गाँव गरीब की बेटी बेटा को मिलेगा इसका लाभ। न्यायालय द्वारा जारी 141 वारंटियों को विभिन्न थानों से किया गया गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा, आगे भी चलता रहेगा अभियान। गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय व स्कूल ऑफ नर्सिंग गंगोत्री देवी के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। प्रबंधक रीना त्रिपाठी ने कहा, जब हम टीचर को देंगे सम्मान तभी हम पाएंगे सम्मान। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त आशीष साहनी को राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 40 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 500 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम नौसादर किया बरामद, भेजा जेल। और जनपद के गगहा ब्लॉक के बेलपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक प्रवीण कुमार मिश्रा को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने दिया राज्य अध्यापक पुरस्कार। विधायक महेंद्र पाल सिंह ने शिक्षक दिवस पर अध्यापक को सौंपा राज्य अध्यापक पुरस्कार का पत्र। अध्यापक ने बेसिक शिक्षा विभाग को दिया धन्यवाद, कहा सभी शिक्षकों को अच्छा कार्य करके लेना चाहिए पुरस्कार। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान, डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैवेलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन के वार्षिक समारोह के अवसर पर संस्था में अध्ययनरत मेधावी छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं टैबलेट का वितरण। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे एवं विशिष्ट अतिथि गोरखपुर महापौर सीताराम जायसवाल ओम जालान की भव्य उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ
वैदिक मंगलाचरण के साथ हुआ। संस्था की निदेशक डॉक्टर खुशबू गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत करके स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर भोजपुरी फिल्म अभिनेता रितेश पांडे ने कहा, यह संस्था के द्वारा स्कॉलरशिप के माध्यम से छात्र छात्राओं को बढ़ावा दिया है। मैं इस संस्था को साधुवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्य को भविष्य और बड़े रूप में उभर कर केंद्र तक कैवेलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन का नाम इसी तरह से बढ़ाता रहे, मेरी यही शुभकामना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेसारी लाल यादव ने कहा कि कंप्यूटर शिक्षा निःशुल्क देना बहुत नेक काम है। कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्था द्वारा किए गए प्रयास से गांव गरीब की बेटी बेटा को इसका लाभ मिल रहा है। आज का यह छात्रवृत्ति एवं टैबलेट वितरण का भव्य कार्यक्रम इसका प्रमाण है। कैवेलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास हो रहा है वह तारीफ एवं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। हम कैवेलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन के उज्जवल भविष्य की कामना करतानी और यह निरंतर आगे बढ़े यह हमारी कामना और ढेर सारी शुभकामना और भगवान से प्रार्थना बा और भोलेनाथ से कि ये संस्था बहुत ही आगे बढ़े। इस अवसर पर संस्था के निदेशक डॉक्टर खुशबू गुप्ता ने कहा कि संस्था द्वारा संचालित इस योजना को लाभ आगे भी मेधावी छात्र और छात्राओं को दिया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन शुभम मिश्रा ने तथा आए हुए अतिथियों का आभार कृष्णा गुप्ता ने किया। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से वीरेंद्र सिंह, नगर निगम के उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, प्राणी उद्यान गोरखपुर के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह, ओम जालान पार्षद चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर दिलीप गुप्ता, रत्नेश गुप्ता, रजत, शिवम जायसवाल, आशीष पासवान, अश्विनी, विशाल गुप्ता, विजय कुमार, ब्रिजेश कुमार, संजय शाहनी, अंशु गुप्ता, डॉक्टर धनंजय कुशवाहा, दिनेश गुप्ता, मुकेश गुप्ता, सुजीत कुमार, आनंद गुप्ता, डॉक्टर अश्विनी चौरसिया, दिनेश गुप्ता, विनय जायसवाल, अनिल सिंह, जियान पराग डेरी, चमनलाल गुप्ता, शशांक वर्मा, मंजीत विश्वकर्मा, अनिल भोला सहित संस्था के कर्मचारी, अध्ययनरत छात्र छात्राएं और उनके परिजन उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कैवेलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन संस्था के निदेशक डॉक्टर खुशबू गुप्ता एवं भोजपुरी फिल्म अभिनेता रितेश पांडे और मुख्य अतिथि भोजपुरी फिल्म स्टार केसारी लाल यादव ने कहा, हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे हमारे बीच में जो चलकर आए हैं। जैसे कार्यक्रम के आयोजित है इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोजपुरी फिल्म स्टार केसारी लाल यादव जी हम लोग के बीच आ चुके हैं। कुछ ही क्षण में वो मंच पे उपस्थित होंगे और माँ सरस्वती पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत करिए। हम श्री कृष्णा गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह मतलब आप ब्रिंगिंग पालन पोषण को संस्कार, तो वो पूरे संसार को पता चलता है कि आप कहीं भी अब तो एक कैवेलियर के थ्रू मैं चाहूंगी कि अब मैं एक एक करके नाम उनका यहाँ पर बुलाऊंगी और वो आए और खेसारी लाल जी से मैं सामने चलो सामने से तुम हट जाओ। कृष्णा गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि इनको
स्मृति जी और अंग वस्त्र देकर स्वागत करें हम लोग को भी। हमें कभी पढ़ाई लिखाई नहीं मिला क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी जगह पे हुई, हमारे पास गरीबी थी, ऐसी बहन हमारे यहाँ नहीं थी, इसलिए शायद ऐसा पुरस्कार हम नहीं ले पाए। आप लोगों के पास अवसर है, आज मैं ज्ञान के मंदिर में आया हूँ जबकि मैंने ज्ञान कभी ली नहीं और मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया ऐसी जगह के लिए जहाँ से दूर दूर तक का मेरा कोई रिश्ता नहीं था। आज जिंदगी में मैंने जो कुछ भी पाया, मानिए हमारे प्रवीण शास्त्री जी जो कि मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं इनका कभी बात काटता नहीं और मैं शूटिंग यहाँ 8वीं 9वीं फिल्म कर रहा हूँ गोरखपुर में, तो गोरखपुर से मेरा जीवन शुरू हुआ है। मेरी पहली फिल्म साजन चले ससुराल यूनाइटेड हॉल से शुरू की थी मैंने और आज 100 फिल्में कर चुका हूँ। तो गोरखपुर से एक ऐसा रिश्ता बना है कि मेरी जीवन की शुरुआत गोरखपुर से हीरो बनने वाली हुई थी और मैंने कभी ज्ञान की पढ़ाई लिखाई बहुत कम किया क्योंकि पैसे नहीं थे और मैं पहले भी बोला कि खुशबू जैसी बहन नहीं थी हमारे यहाँ ताकि हमें गोद लेकर और हमें शिक्षा दे सके। तो मैं चाहता हूँ कि खुशबू बहन के लिए कैसा जोरदार ताली बजाइए, खास ऐसी बहन होती तो मुझे भी ₹1,00,000 ₹50,000 और ऐसे ऐसे मेडल लेने का अवसर प्राप्त होता, लेकिन आप लोगों के पास वो अवसर है और ज्ञान ऐसी चीज है कि जीवन में यही है जो आपका कोई छीन नहीं सकता। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, अपने माँ बाप से प्यार करिए और शिक्षा कभी आपको गलत रास्ते पे लेके नहीं जाता। हमें शिक्षा मिली नहीं बट हम शिक्षित लोगों के साथ रह रहे के ये अनुभव तो कर ही लिए कि अगर आप शिक्षित नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कि आपका जीवन नहीं चल सकता, लेकिन शिक्षा रहे तो शायद आप अपने जीवन को संभाल के चला सकते हो। नूनी रोटी खाएंगे जिंदगी सन ही बिताएंगे, ठीक है। तो जिंदगी में गाना में अपनों के साथ नो नमक रोटी भी मिलता है ना तो जिंदगी बड़ी अच्छी कटती है, लेकिन किसी गैरों के साथ अगर मेवा भी मिलता है तो शायद वो बड़ा दूर का रिश्ता लगता है। तो थैंक यू सो मच, हम अपन शूटिंग छोड़ के आए के उनके नुकसान होता तो बाकी रितेश बाबा वाली रोल अभी नुह के कुछ बोल जोड़ से स्वागत करिए जो हमारे तीनों विजेता हैं। लेके जाते थे सर हमें चॉकलेट दिया करते थे तो काफी महत्व है इस दिन का, तो आप लोग खूब पढ़िए और इस देश का नाम रोशन करिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने भारतवर्ष का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा अभियान शुरू किया था जिसका नाम था हर घर तिरंगा। 15 अगस्त के मौके पे मुझे लगा कि सारे घरों में तिरंगा ऊपर फहरा रहा है और शिक्षा किसी भी देश की नींव होती है। अगर हमारा नींव मजबूत रहेगा तो हम बहुत ऊपर जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल या शायद परसों
भारत ने पहला अपना स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका नाम है INS विक्रांत लॉन्च किया है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और सिर्फ ये हमारे देश के वैज्ञानिकों के कारण संभव हो पाया। और वैज्ञानिक वही बनते हैं जो मन लगा के पढ़ाई करते हैं। मेरा नाम सर खुशबू गुप्ता है, केवरलियर एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर हूँ और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोगों का हमें सपोर्ट मिला उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। सर हमारी एक संस्था है केवरलियर एजुकेशन फाउंडेशन, हम लोगों ने उसके बीच में एक शिक्षा स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू किया है। शिक्षा स्कॉलरशिप ऐसी स्कॉलरशिप है जो भी कोई भी बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। 9 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र का बच्चा, 3 एज ग्रुप में हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं और आप इसको कर सकते हैं सर। मतलब कोई भी बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। हमारा फर्स्ट टॉपर 1 लाख रुपीज़ अवार्डेड है, सेकंड टॉपर 50,000 का है, थर्ड टॉपर हमारा 25,000 का है। साथ में हम लोग 100 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं टैबलेट के लिए। उन पूरे बच्चों के बजाय हम लोगों ने 33 बच्चों को यहाँ पे टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया भीड़ कम करने के लिए। बाकी सर्टिफिकेट भी हम लोगों ने दिए और हमारे यहाँ 300 बच्चों को फ्री कंप्यूटर क्लासेस, 1 रुपया फीस नहीं लगेगा सर। उनको 40 कोर्सेज अवेलेबल हैं और हमारे बेस्ट फैकल्टी द्वारा उनको पढ़ाया जाता है। और हमारी कोशिश है सर पूरे शहर में एक अच्छा काम करने की और हम लोग अभी 7 जिले में कोशिश कर रहे हैं कि वर्क कर रहे हैं और आगे टारगेट हमारा कि कम से कम 75 जिले हमारे फ्री कंप्यूटर क्लासेस लोगों को हम लोग दे सकें। थैंक यू सो मच सर। सर आज हमारे बीच में खेसारी लाल जी थे, रितेश पांडे जी थे, उन लोगों का हमें कीमती समय प्राप्त हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। उन्हीं के हाथों ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पहला बच्चा हमारा श्रेय, ऊपर से अगर हम देखें तो हर्ष शाहनी था, सेकेंड नंबर पर प्रिंस है, थर्ड नंबर पर श्रेया है जो कि बहुत गरीब घर के बच्चे हैं, उनको ये अवार्ड मिला, मुझे बहुत खुशी है। साथ में टैबलेट पाने वाले बहुत बच्चे थे। एक बच्चा तो ऐसा था जिसके माँ बाप दोनों नहीं है, कोविड में एक्सपायर हो गए थे, वो उस बच्चे ने यहाँ बहुत स्ट्रगल करके उसके छोटे मतलब जो भाई बहन है उसी पे डिपेंडेंट है, वो इतना खुश था। आपको मेरी बाइट के साथ साथ उसकी भी बाइट लेनी चाहिए और थैंक यू सो मच सर। हाँ आज टीचर्स डे है, मेरा जो फर्स्ट टॉपर है वो विद्या मंदिर का स्टूडेंट है, मुझे ये भी बड़ी खुशी हुई। और मैं आपको बताना चाहूँगा मैं खुद ही विद्या मंदिर के स्टूडेंट हूँ और विद्या मंदिर के टीचर्स भी यहाँ पे आए थे, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। स्पेशली सारा जो भी है गुरु के ज्ञान की वजह से ही मैं जो कर रही हूँ आज उन्हीं की वजह से कर रही हूँ। थैंक यू सर। सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे? सम्मानित बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी के द्वारा किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी कोई संस्था जो मेधावी बच्चे हैं उन्हें सम्मानित कर रही है, ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। और ये संस्था नित्य प्रतिदिन ऐसा ही कार्य करते रहे और बढ़ते रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। हाँ टीचर्स डे, देखिए शिक्षक जो जीवन में हमें कुछ भी सिखाए वो हमारे लिए शिक्षक है। वैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के मौके पे हम मनाते हैं, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। ये तो मेरा सौभाग्य है कि जिस ज्ञान के मंदिर में मैं बहुत कम गया हूँ क्योंकि वो समस्या नहीं थी, और मैं इस पूरी संस्था को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे संस्था अगर हर जिला में हर गाँव में बन जाए तो शायद कोई बच्चा बिना पढ़े और अपने आप को बड़ा कर सकता है। और इस संस्था को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना कि ऐसे पहल हर आदमी को करना चाहिए। और खुशबू जी को दिल से धन्यवाद, हमारे प्रवीण शास्त्री जी को, हमारे रितेश बाबा को, जो भी इस मंच पे हैं जो इस कार्यक्रम के लिए अपना वक्त दिया है, मैं सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं का, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ हम आए ही नहीं हैं, शायद हमारे आने से इन बच्चों का उत्साह और बढ़ेगा और अगले साल जब हम आएंगे तो शायद इससे भी ज़्यादा संख्या होगी चेक बांटने की। टीचर डे क्या कहना? बस मैं सारे टीचरों को दिल से धन्यवाद कि आप नहीं होते तो शायद आज हमारे अंदर जो भी ज्ञान है, जो मैं 2 शब्द बोल पाता हूँ आज उन्हीं के बदौलत बोल पाता हूँ, चाहे वो जहाँ से भी हो। तो मैं हर उन
गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे दो शब्द ही क्यों ना सिखाया हो। कहा लगी हमनी को कहले लैका रानी साज लैकन के संबोधित करत नहीं जा तो एक दिन तक हो कर यहाँ स्वामी के यह चाहब जो हमनी के जगह पर खड़ा हो जा सब। जनपद ने पुलिस ने विभिन्न थानों के 141 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद में न्यायालय द्वारा अपराधियों के लिए जारी गैर जमानती वारंट को देखते हुए विभिन्न थानों से 141 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय ने इन अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, जो कि शातिर अपराधी हैं। उन्होंने कहा इस तरह का अभियान आगे भी चलाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रोवर ने कहा कि पिछले 48 घंटों में एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें 141 जो वारंटी है, नॉन बिलेबल वारंट जो प्रत्येक थाने पर माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं, उस संबंध में 141 ऐसे वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और थानावार इसकी समीक्षा की गई है। आने वाले दिनों में भी ऐसे जो है अभियान लगातार चलाए जाएंगे। गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय व स्कूल ऑफ नर्सिंग गंगोत्री देवी के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि वरिष्ठ भौतिक विद परमात्मा श्रीवास्तव रहे। आपको बता दें कि महाविद्यालय की प्रबंधक रीना त्रिपाठी और सभी शिक्षकों ने मिलकर केक काटकर शिक्षक दिवस मनाया तथा रीना त्रिपाठी ने सभी शिक्षकों को माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय की प्रबंधक रीना त्रिपाठी ने बताया कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी शिक्षक और छात्राओं को शुभकामना देती हूँ और माँ पहले शिक्षक होती है जो अपने बच्चों को सबसे पहला ज्ञान देती है। एक कुम्हार जैसे मिट्टी के बर्तन को देता है, वैसे ही टीचर हमारे जीवन को सवारते हैं। जब हम टीचर को सम्मान देंगे तभी हम सम्मान पाएंगे। अपने टीचर्स को सम्मान दो और जीवन भर सम्मान पाओ। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला, प्रोफेसर मधु सत्यदेव, डॉक्टर संगीता पांडे, डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, स्नेहा पांडे, डॉक्टर सुषमा मिश्रा, डॉक्टर शीला तिवारी, डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव सहित अन्य शिक्षक एवं छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय की शिखा पांडे एवं डॉक्टर नैन्सी जायसवाल तथा प्रबंधक रीना त्रिपाठी ने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल भी और बहुत मेहनत करती हैं।
और निश्चित रूप से सबकी मदद करती है, बच्चों की भी, टीचर्स की भी, स्टाफ की भी और हमारी भी। चाहती हूँ कि टीचर्स सिर्फ वही नहीं होते हैं जो हमें स्कूल में या किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, टीचर्स वो लोग होते हैं जो हमें सच्ची ज्ञान देते हैं, सच्चे मार्ग पर चलना सिखाते हैं। और आज टीचर्स डे है तो हम अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं अपने लिए कि मैं भी एक टीचर हूँ और मैं इस कॉलेज में पढ़ाती हूँ और मैं हमेशा बच्चों को मोटिवेट करती हूँ कि वो सच्चे रास्ते ही चुने जिसमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई हो और वो आगे बढ़ करके और बाकी लोगों को भी ज्ञान दें और आगे बढ़ें। डॉक्टर नैन्सी जायसवाल, एक्चुअली टीचर्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डे आज हमारे लिए, क्योंकि आज सारे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी एजुकेटेड पर्सन हैं जो अपने स्टूडेंट को एजुकेट करते हैं, उन्हें शब्दों का बोध सिखाते हैं या लाइफ लेसन सिखाते हैं, तो उनके लिए टीचर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीचर डे का मतलब ये नहीं है कि स्पेशली फॉर टीचर्स, टीचर डे का मतलब ये है कि वो इंसान जो आपको आपके लाइफ में गाइडलाइन करता है, जैसे आपके पेरेंट्स, जैसे आपकी मदर जो कि आपकी फर्स्ट टीचर होती है, एंड सेकेंड टीचर आपका गुरु होता है जो आपको अक्षरों के बारे में बताता है। तो एक ऐसा इंसान जो आपको लाइफ लेसन सिखाए, जो आपको सही राह दिखाए, वो आपके मायने में आपके नज़रिए से वो आपके लिए एक हैप्पी टीचर्स डे की तरफ से उनको विश करना चाहिए। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सारे स्टूडेंट को ऑल स्टूडेंट हैप्पी टीचर्स डे, एंड आप अपने लाइफ को इसी तरीके से इम्प्रूव करते रहिए और एक वक्त ऐसा लाइए कि आप हमारे जगह पर खड़े होकर के भी मतलब दूसरों से विशेष लीजिए कि हैप्पी टीचर्स डे एंड सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं रीना त्रिपाठी आज शिक्षक दिवस पे गंगोत्री देवी महाविद्यालय एवं स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की तरफ से शिक्षक दिवस के उपलब्ध में समस्त शिक्षकों को नमन करती हूँ और सबको मैं अपनी तरफ से आदर आभार प्रकट करती हूँ। शिक्षक का जो रोल है जीवन में, इसको एक लाइन से समझा जा सकता है कि अगर टीचर नहीं होता तो क्लास नहीं चलती, वैसे ही टीचर नहीं होता तो जीवन में क्लास नहीं मिलती। यहाँ क्लास का भाव एक स्टेटस से है, तो जब हम टीचर्स को सम्मान देंगे तभी हम सम्मान पाएंगे। ये मैं नेक्स्ट जनरेशन को एक आशीर्वाद के रूप में एक वाक्य देना चाहती हूँ कि अपने टीचर्स को सम्मान दो और जीवन भर सम्मान पाओ। धन्यवाद। राजघाट थाने की पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आशीष साहनी पुत्र राम उजागिर साहनी निवासी अमरुद मंडी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब, 500 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम नौसादर को बरामद किया गया है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है,
गिरफ्तार करने वाली टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, टीपी नगर चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह, उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार सिंह, कांस्टेबल अशोक यादव, रवि कुमार शामिल रहे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जनपद के गघा ब्लॉक के बेलपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक प्रवीण कुमार मिश्रा को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान एनेक्सी भवन के सभागार में प्रायश विधायक महेंद्र पाल सिंह ने अध्यापक प्रवीण कुमार मिश्रा को राज्य अध्यापक पुरस्कार व अंग वस्त्र से सम्मानित किया, जिसके संबंध में अध्यापक प्रवीण कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अच्छा कार्य करने वाले अध्यापकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। पिछले 6 सालों से विद्यालय के बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहा था, जिसको देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने मुझे राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया है, जिसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग को धन्यवाद देता हूं। इस पुरस्कार से मुझे और प्रेरणा मिली है, आगे और भी अच्छा काम किया जाएगा, उन्होंने कहा। इस तरह के पुरस्कार से मनोबल बढ़ता है। सभी अध्यापकों को अच्छा काम करना चाहिए, यह विभाग द्वारा एक अच्छा प्रयास है शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक अध्यापक प्रवीण कुमार मिश्रा ने कहा, राज्य को अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित होते हुए और हम सब कामना करते हैं कि आपका यह अनुभवता और छात्रों के बीच में उनके उज्जवल भविष्य के प्रयास के लिए आप निरंतर अपनी प्रगति। मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा है, मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलपुर ब्लॉक गगहा गोरखपुर में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। जी ये बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जो है राज्य शिक्षक पुरस्कार दिए जाते हैं हर साल, तो इसके लिए एक प्रक्रिया चलती है और पिछले 6 साल से लगातार 6.5 साल से मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहा था और विभाग ने मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया और उसके लिए मैं विभाग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद है कि और भी बेहतर करता जाऊँगा। इससे मुझे इस पुरस्कार से मुझे और प्रेरणा मिलती है और मैं और बेहतर करूँगा। सर बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप एक बार एक जब काम करते हैं तो रिकॉग्निशन आपके लिए एक प्रेरणा का काम करता है, जो आपको एक बूस्टर डोचा काम करता है, जो आपको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो विभाग द्वारा ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम चल रहा है अच्छे टीचर्स को प्रमोट करने के लिए और उनको और बेहतर करने के लिए प्रेरणा देने के लिए। तो मैं बाकी अपने शिक्षक साथियों को भी कहूँगा कि वो भी बच्चों के लिए जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये उनके लिए भी प्रेरणा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस करते हुए और आगे वो भी बढ़ेंगे। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर एनेक्सी भवन के सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने शिक्षक दिवस पर अच्छा कार्य करने वाले अध्यापकों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कहा, अच्छी शिक्षा से ही देश बन सकता है अखंड राष्ट्र। पशु तस्कर गिरोह के शातिर अभियुक्त हरेंद्र यादव को चौरी चौरा थाने की पुलिस ने 2 साथियों सहित किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में अभियुक्त हुआ गंभीर रूप से घायल, मेडिकल कॉलेज करवाया गया भर्ती। पास से 1 अवैध देसी तमंचा, 1 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 1 बुलेरो गाड़ी, 1 पिकअप किया बरामद, भेजा जेल। सहारा स्टेट में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले अभियुक्त को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 नाली बंदूक, 6 खोखा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। कारोबार को देने रफ्तार, बैंक पहुंचा टेराकोटा शिल्पकारों के द्वार। 5,000 टेराकोटा शिल्पकारों को 25 करोड़ का लोन देने की प्रतिबद्धता जता चुके पंजाब एंड सिंध बैंक के अफसरों ने किया टेराकोटा गांव औरंगाबाद और गुलरिया का भ्रमण। कहा, टेराकोटा शिल्पकारों को ODOP के तहत त्वरित आधार पर सरलता से लोन देने के लिए तैयार बैठा है बैंक। ऑटो रिक्शा पर लगे हुए बम्परों पर अब ट्रैफिक पुलिस हुई सख्त, चेकिंग कर ऑन स्पॉट उतरवाए ऑटो रिक्शा पर लगे आगे पीछे बम्परों को। कहा, किसी भी ऑटो पर बम्पर दिखाई दिया तो होगी सख्त कार्रवाई, कटेगा 5,000 का चालान।
कैवेलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन के वार्षिक समारोह के अवसर पर संस्था में अध्ययनरत मेधावी छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं टैबलेट का किया गया वितरण। मुख्य अतिथि भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव ने कहा, संस्था द्वारा कंप्यूटर शिक्षा निःशुल्क देना है बहुत नेक काम, गाँव गरीब की बेटी बेटा को मिलेगा इसका लाभ। न्यायालय द्वारा जारी 141 वारंटियों को विभिन्न थानों से किया गया गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा, आगे भी चलता रहेगा अभियान। गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय व स्कूल ऑफ नर्सिंग गंगोत्री देवी के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। प्रबंधक रीना त्रिपाठी ने कहा, जब हम टीचर को देंगे सम्मान तभी हम पाएंगे सम्मान। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त आशीष साहनी को राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 40 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 500 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम नौसादर किया बरामद, भेजा जेल। और जनपद के गगहा ब्लॉक के बेलपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक प्रवीण कुमार मिश्रा को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने दिया राज्य अध्यापक पुरस्कार। विधायक महेंद्र पाल सिंह ने शिक्षक दिवस पर अध्यापक को सौंपा राज्य अध्यापक पुरस्कार का पत्र। अध्यापक ने बेसिक शिक्षा विभाग को दिया धन्यवाद, कहा सभी शिक्षकों को अच्छा कार्य करके लेना चाहिए पुरस्कार। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।